हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लौटे एक हेल्पफुल वीडियो के साथ। जैसे कि मैं हमेशा आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट लाती हूँ, यूज़फुल रिव्यू लाती हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले अपने आप ट्राई करती हूँ, फिर आपको रिव्यू शेयर करती हूँ। तो आज भी इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इसमें लैक्मे 925 सन एक्सपर्ट है, ये SPF 50 है, 15। तो इसका रिव्यू मैं फुल शेयर करने वाली हूँ और इसकी प्राइस के लेकर भी बात करेंगे और कैसे यूज़ करना चाहिए हमें सनस्क्रीन को, इसके बारे में बात करेंगे। तो फुल वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए और स्किप ना कीजिए, बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट की बात करूँगी मैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए लैक्मे 925 सन प्रोटेक्शन हाइड्रेशन सन एक्सपर्ट हाइड्रेशन कॉम्प्लेक्स सन एवो एक्वा सन जेल SPF 15 PA++ नहीं 4+ है ये। तो यहाँ पे ट्रिपल प्लस हम लोगों को अब तक मिल रहा था, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इन्होंने PA++ कर दिया है। तो यहाँ पे UAB किरणों के लिए हमें बहुत अच्छा सन प्रोटेक्शन मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फुल रिव्यू उसका शेयर करूँगी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं कुछ टाइम से इसके साथ यूज़ कर रही हूँ, कम 1 मंथ मुझे हो गया है उसको यूज़ करते करते। एंड इसकी प्राइस की बात कर ले तो ये इसका प्राइस 499 है। अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हैं तो आपको काफ़ी कम प्राइस में पड़ सकती है ये सनस्क्रीन। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, आप अगर बाय करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मेरे फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। यहाँ पे इसमें ऑल स्किन टाइप पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये रहती है, जब भी हम कोई सनस्क्रीन लेते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि क्या ये हमारी स्किन के लिए बेटर रहेगी, या सारी जो हम लगा रहे हैं कि हमारे स्किन के लिए सूटेबल होगी। तो हाँ जी, बिल्कुल ही ऑल स्किन टाइप है 18+। सबसे पहले ये डाउट मैं क्लियर करती चलूँ कि 18+ ही ये प्रोडक्ट यूज़ करें, टीन एज की गर्ल यूज़ ना करें, उनके लिए अलग प्रोडक्ट आते हैं, वो सिर्फ वही यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका रिव्यू, काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर इसकी हाइड्रेशन की बात कर लें, नॉर्मल जो सनस्क्रीन हम यूज़ करते हैं उसमें हाइड्रेशन का कुछ भी नहीं है। यहाँ की इससे पहले लैक्मे सन एक्सपर्ट का मैंने रिव्यू आपके साथ शेयर किया था, उससे मुझे काफ़ी ईचिंग हो गई थी, यानी कि जो स्किन थी वो ड्राई हो गई थी, मगर इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा वर्क करती है हमारी स्किन पर, ईजिली अब्जॉर्ब हो जाती है, वाइट कास्ट फ्री है। अगर आपको कोई भी सनस्क्रीन खरीद रहे हैं अगर उसमें वाइट कास्ट है तो आप बिल्कुल भी इसको बाय मत कीजिए, क्योंकि वो हमारी स्किन पे बिल्कुल ही वाइट वाइट सा कलर छोड़ देती है, जो बहुत ज़्यादा वो अजीब सा लगता है देखने में और बहुत ज़्यादा स्किन रफ हो जाती है और अलग से बहुत ज़्यादा पैची हो जाती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके की ये निकलती है। देखिए काफ़ी खाली हो चुकी है, तो नॉर्मली से निकल रही है, तो आप देख सकते हैं। मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ ताकि आपके मन में ये डाउट ना रहे कि हाँ मैम ईजिली अब्जॉर्ब नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं नॉन फिल्टर वीडियो है ये, कोई भी फ़िल्टर यूज़ नहीं है, तो यहाँ पे ईजिली अब्जॉर्ब हो जाती है, कोई भी ऐसा नहीं है कि रगड़ना पड़ रहा है। और हाँ, मैं सबसे पहले ये बात आपसे कहना चाहूँगी कि जो 3 डॉट्स बहुत ट्रेंडिंग में यूट्यूबर्स बताते हैं कि 3 डॉट करके अपनी स्किन पे सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए, नहीं जी बिल्कुल ऐसा ना कीजिए। अगर आपको सनस्क्रीन यूज़ करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ पहले उतनी ही सनस्क्रीन लीजिए जितनी आपके लिए सूटेबल हो, जितने आपके स्किन में वर्क करे, जितना आपके स्किन में ज़रूरत के तौर पे यूज़ होता है उतना ही लीजिए। अगर इसकी यूजेस की बात कर लूँ, अगर आप जॉब करती हैं तो यूज़ कर सकती हैं इसको, एंड अगर आप हाउस वाइफ है इसको यूज़ कर सकते हैं। हीट प्रोटेक्शन है इसमें, एंड UAV किरणों से बहुत ज़्यादा अच्छा इसका प्रोटेक्शन है। यहाँ पे बहुत अच्छा से वर्क भी करती है हमारी स्किन में। अगर इसकी हाइड्रेशन की बात कर लूँ तो ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखती है, यानी कि फ्रेश फील कराती है लगाने पर, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा हैवी कुछ लगा रखा है। बहुत अच्छे से वर्क करेगी ये आपकी स्किन पर, और स्किन को अगर आपके डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन बढ़ रही है, तो उसको रोकने में भी हेल्प करता है। तो ये सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही है मेरे लिए, डार्क स्पॉट्स को भी रिड्यूस करती है। अगर आपके ब्लैक ब्लश पैची से दाग पड़ रहे हैं तो उनको भी कवर करती है। अगर बहुत ज़्यादा सन प्रोटेक्शन है, इसकी सन प्रोटेक्शन के बारे में आपको मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा सन लाइट से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करती है। अगर हम बाहर जाते हैं बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है काफ़ी बार, तो ये उसको
कवर अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो हाउस वाइफ भी इसको यूज़ कर सकती है 18+। और नॉर्मली से हमारा सवाल ये क्वेश्चन रहता है बॉयज़ का कि हाँ मैम क्या ये बॉयज़ यूज़ कर सकते हैं, मैंस यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, सनस्क्रीन है, इस पर कोई भी ऐसा कोई इंट्रक्शन नहीं लिखा है कि इसको सिर्फ गर्ल ही यूज़ करेंगी, ऐसा नहीं है, बॉय भी यूज़ कर सकते हैं। बॉय भी यूज़ करें, अगर आप जॉब करते हैं, आप बाइक कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर सनस्क्रीन की एक रूटीन ज़रूर बनाएं, क्योंकि सनस्क्रीन जो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे बॉयज़ भी इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, कभी भी यूज़ कर सकते हैं। राइडर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, उन्हें जो हवा होता है, हमारा वातावरण होता है, वो बहुत ज़्यादा अशुद्ध कर देता है हमारी स्किन को। और अगर आपको अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाना है तो आपको सनस्क्रीन लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि सनस्क्रीन जो हमारी स्किन का बहुत ज़्यादा मेन पार्ट होता है, हमारी हर चीज़ से प्रोटेक्शन करता है, बहुत प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन की लेयर्स को और बहुत हेल्दी रखता है अंदर से। तो आई होप गाइस आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा, मैंने आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ऑनेस्ट रिव्यू शेयर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिए।